नमस्कार बच्चों, आज गणित की कक्षा 6 की अपनी संख्याओं की जानकारी कुछ शेष भाग छुटा हुआ था, आज उसको पूर्ण करने के लिए आए हैं। इस कक्षा में हम लोग देखेंगे योग एवं अंतर का आकलन कैसे होता है, यह भी जानेंगे और गुणनफल का आकलन भी करेंगे और उसके बाद कोष्टकों का यानी ब्रैकेट्स जिसे कहते हैं का प्रयोग कैसे, कितने ब्रैकेट होते हैं, किस तरह के ब्रैकेट होते हैं और उनका प्रयोग कैसे करेंगे वह जानेंगे और अंत में रोमन संख्याएं को संख्यांक को देखेंगे। तो चलिए अब योग एवं अंतर का आकलन हम लोग सीखेंगे। पहला नोट में देख लेंगे कि आकलित योग या अंतर निकालने के समय योग के पूर्व संख्याओं में आवश्यकता अनुसार सन्निकटन की क्रिया करनी होती है, यानी योग या अंतर आप कर रहे हैं तो उसके पूर्व जिसको आप जोड़ रहे हैं वो सन्निकटन का कार्य उसको उधर ही कर दीजिए, जोड़ने के बाद नहीं करेंगे। तत्पश्चात योग या अंतर का आकलित मान निकालनी होती है। अब इन दोनों का आकलित मान ज्ञात करना है, आवश्यकता अनुसार लिखा हुआ था, अब आपको इसको सैकड़े तक करना है। तो देखिए सैकड़े तक करेंगे तो इकाई दहाई का अंक देखेंगे 8 है, यानी 5 और 9 के बीच है तो ये 6 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा और ये दोनों 0 हो जाएंगे। उसी तरीके से इकाई दहाई 7 है यहाँ पे तो यह बढ़ जाएगा, 9 हो जाएगा और ये दोनों 0 हो जाएंगे। इस तरह से इनको फिर जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ लेंगे। फिर अगर इसी को बोला जाता है कि आप इकाई दहाई सैकड़ा हजार तक देखें तो हजार तक देखना है तो ये तो तीनों जीरो हो जाएंगे और इकाई दहाई सैकड़ा वाला को देखेंगे 5 है तो ये 7 हो जाएगा। इसमें भी हजार तक करना है संकट तो 1 2 3 तीनों को जीरो कर देंगे और ये 8 है यानी 5 और 9 के बीच है तो 9 10 हो जाएंगे, दोनों को फिर जोड़ लिख के लिखेंगे। उसी तरह से ये घटाव का करना है, इसमें हजार तक का आकलन करना है तो इकाई दहाई सैकड़े को सैकड़े का अंक देखेंगे यहां 3 है तो यह अपरिवर्तित रहेगा, 2 ही रहेगा और बाकी तीनों 0 हो जाएंगे। इकाई दहाई सैकड़ा 5 से कम है तो यह 5 का 5 रहेगा और बाकी तीनों 0 हो जाएंगे और फिर माइनस करके देख लेंगे। नेक्स्ट, गुणनफल का आकलन, गुणा करने गुणा की जाने वाली प्रत्येक संख्या को उसके सबसे बड़े स्थान तक सन्निकटित करते हैं, यह ध्यान रखेंगे इधर, क्योंकि गुणा करने से बहुत बड़ा बड़ी संख्या तुरंत बनती है। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए कि इधर में यह इकाई दहाई सैकड़ा हजार है तो हजार तक इसको सन्निकटन मान इसका निकाल लेंगे। हजार की बात कर रहे हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार तो इसके ठीक पूर्व वाली अंक को देखेंगे, ये 8 है यानी 5 और 5 से बड़ा है ये तो इसे 6 कर देंगे और बाकी तीनों को 0 कर देंगे, ये 6000 हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा सैकड़ा तक संकेत करने के लिए इसके इकाई दहाई को देखेंगे 2 है, 0 और 4 के बीच है तो यह 4 का 4 रहेगा, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे और फिर इसको गुणा कर लेंगे। उसी तरीका से इनमें आप देख सकते हैं जैसे इकाई दहाई तक इनको सन्निकटन करना है, सन्निकटन का काम करना है तो इकाई अंक 0 हो जाएगा, इकाई 4 है यानी 5 और 5 से कम है तो ये 8 का 8 रहेगा और ये 0 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, बाकी बच्चों आप देख के कर लोगे। कोष्टकों का प्रयोग, एक प्रश्न मैंने लिखा है उसको पढ़ता हूं उसके बाद कोष्टकों का प्रयोग आप स्वयं जानेंगे कि किस तरह से करते हैं। यदि राहुल और कलश क्रमशः अपनी छोटी बहन भारती को ये रुपया का चिन्ह है 21 रुपया और 10 रुपया एक सप्ताह तक प्रत्येक दिन देते हैं,
ये राहुल हो गया और ये क्या हो गया, कलश हो गया। ठीक है, ये दोनों तो हमेशा हंसते रहते हैं और इनकी बहन जो हो गई ये हो गई और ये जो है ये कितने रुपया देते हैं बहन को, ये देते हैं 21 रुपया देते हैं और ये कितना बहन को देते हैं, ये देते हैं 10 रुपया प्रत्येक दिन देते हैं और कब तक देते हैं, एक सप्ताह तक देते हैं। तब एक सप्ताह के बाद बहन के पास कितनी रुपया हुई, कुल राशि कितनी होगी, तो इसके लिए 21 रुपया और 10 रुपया को पहले हम लोग जोड़ लेते हैं। पहले मैं बोल रहा हूं पहले, यानी कि यह ब्रैकेट में कर दिया, छोटा ब्रैकेट ही है ना, इसको ब्रैकेट में कर लिया और सात दिन, सप्ताह में सात दिन होते हैं, सात से गुना कर देंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 21 रुपया हो गया और सात से गुना किया तो 217 रुपया बहन की कमाई हो गई एक सप्ताह के बाद। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 21 21 सात बार जोड़ते, फिर 10 10 फिर सात बार जोड़ते, फिर दोनों को जोड़ते, समय लगता ना, तो इस तरह से करना समय की बचत है। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, यदि आलू 20 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी प्रति मतलब एक किलोग्राम का दाम है 20 रुपया और प्याज एक किलोग्राम का दाम है 18 रुपया और टमाटर का मूल्य है प्रति किलोग्राम 15 रुपए, प्रत्येक 3-3 किलोग्राम लेने पर व्यय की गई कुल राशि, आप कितना खर्च करेंगे अगर 3-3 किलोग्राम तीनों को लेंगे, तो तीनों को पहले जोड़ लेते हैं, तीनों राशि को जोड़ लेते हैं 20 18 और 15 और 3 से इसको ब्रैकेट कर दिया है पहले, है ना, फिर 3 से गुना कर देते हैं, जोड़ने पर तीनों को 53 आया और 3 से गुना करने पर 159 रुपीस, यानी 159 रुपीस आप खर्च करेंगे, 3 किलो आलू आपके पास आ जाएगा, 3 किलो प्याज आ जाएगा और 3 किलो टमाटर भी आ जाएंगे। अब पुस्तकों के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान चुके हैं, आप पुस्तकों के प्रकार और उनके हल करने के तरीके को देखेंगे। कोष्टक, रेखा कोष्टक, सर्वप्रथम हम लोग अगर रेखा कोष्टक जहां पर भी हो उसको हल करते हैं। 5 घटा और 2 ऊपर एक रेखा है ना, दिखाई दे रहा बच्चों, अगर ऐसा कहीं रहे तो इसको सबसे पहले करना है, इसका मतलब यही है रेखा कोष्टक, इसी को कहते हैं 5 घटा 2 यानी 3 इसका मूल्य आ जाएगा, बार ब्रैकेट, रेखा कोष्टक को बार ब्रैकेट भी कहते हैं। अब उसके बाद छोटा कोष्टक, ये जो हम लोग यूज कर रहे थे ना ये छोटा कोष्टक है बच्चों, और जिसको सर्कुलर ब्रैकेट भी कहते हैं, 5 घटा 2 ब्रैकेट के अंदर है। मंझोला कोष्टक यानी बीच का, यह छोटा ब्रैकेट कहीं यूज अगर हो चुका है, इस्तेमाल कर चुके हैं तो उसके बाद मंझोला कोष्टक की बारी आती है जिसे कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं। अब जब छोटा ब्रैकेट आपने यूज कर लिया, ये कर लिया, मंझोला कोष्टक कर लिया, तो आप उसके बाद अगर यूज करेंगे तो बड़ा कोष्टक कोई का यूज होगा, उसे बोलते हैं बॉक्स ब्रैकेट। रोमन संख्यांक यानी रोमन न्यूमरल्स हम लोग यूज तो करते हैं, कभी आप बोर्ड में देखते होंगे क्लासरूम में, 1 की जगह ऐसा लिखा हुआ है, 2 की जगह ऐसा, 3 की जगह ऐसा, 4 की जगह पे ऐसा लिखा है, 5 की जगह पे V से V लिखा है, 7 की जगह, 6 की जगह पे V और I लिखा है। जब इसको 5 बोला और उसके बाद I डाला, I का मतलब 1 है, तो 5 और 1 6 हो गए, फिर 5 और 2 है 1 1 2, तो 5 और 2 7 हो गए। इस तरह से 1 से 10 तो हम लोग जानते ही हैं, ये भी जानते हैं कि अगर दाएं तरफ लिखा रहता है किसी छोटी को संख्या को तो वह जुड़ जाता है और बाएं तरफ अगर लिखा जाता है तो वह घट जाता है। फिर थोड़ा और आगे अगर बच्चों आप पढ़ेंगे 10 के बाद तो देखेंगे 11, 10 को बोला 10 और 1 11, 10 और 2 12, 10 और 3 13, 10 और 4 14, 10 और 5 15, 10 और 6 16, 10 और 7 17, 10 और 8 18, 10 और 9
19 और 10 और 10 20, दो बार इसको लिख देने से 20, तीन बार लिखने से 10 को 30 हो जाएगा। लेकिन तीन से अधिक बार आप नहीं लिखेंगे, चार बार नहीं होगा इसमें। अब यहां पे आप देखेंगे कि ये सप्ताह में जैसे 7 दिन होते हैं, वैसे इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7, यह आई है, यह बी है, यह एक्स है, यह एल है, और ये सी है, और ये डी और एन। तो आई का मतलब 1 हुआ, बी का मतलब हुआ 5, एक्स का मतलब हुआ 10, एल का, आजकल एलसीडी चला है बच्चों, तो ये एलसीडी एक साथ आपको याद रहेगा। एल का मतलब 50, सी 100, डी 500 और एम से 1000। कितनी बड़ी संख्या इससे हम लोग लिख सकते हैं रोमन संख्या का, उसे हम लोग देखें। लेकिन कुछ छोटे छोटे नियम भी ये समय वो याद रखने से आसानी होगी। वी एल और डी की पुनरावृत्ति नहीं होती। ये जो वी एल और डी रेड कलर में लिखा है ना, इसको दोबारा नहीं लिखते कभी भी, है ना, दोबारा तिबारा नहीं लिखते। यानी बाकी को लिख सकते हैं, आई एक्स सी एम को लिख सकते हैं, आई एक्स सी तीन तीन बार आप रिपीट कर सकते हैं, और एम को मैक्सिमम 4 बार। एक्स को एल और सी डी से नहीं, पहले ये देख लें कि आई जो है ये बी एक्स, आई के आगे बी और एक्स है, इससे आप घटा सकते हैं। फिर एक्स को एल और सी से घटाया जा सकता है, और सी को डी और एल से घटा सकते हैं। यह मैंने लिख दिया है, इसका उपयोग हम लोग देखेंगे। बच्चों ये रोमन संख्या 1 से 10 हम लोग बराबर यूज करते हैं, तो इसमें एक चीज आप गौर करेंगे कि एक, चलिए एक चीज है, दो है तो दो चीज है, ये तीन है तीन चीज है, लेकिन यहां पे गड़बड़ हो जाता है 4, इसको 4 कहते हैं। यहां हुआ क्या है कि यह इसे 5 कहते हैं, और 5 में इधर 1 लिखना यानी कि इसको माइनस करना। जब भी बाई तरफ लिखेंगे छोटी संख्या को तो माइनस करेंगे, तो ये हो गया 4, यानी कुछ यह 4 अलग सा है। अब 6 में 5 और 1 6 हो गए, 5 और 1 1 7 हो गए, 5 1 1 8 हो गए, और फिर ये 9 में फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि यह अलग सा है, इसे हम 10 कहते हैं, 10 का संकेत है। तो इसमें 10 यह हुआ, और बाई तरफ में 1 लिखा गया, छोटा लिखा गया है, तो यह माइनस हो जाता है, और यह 9। यह दिखाने का कारण यह है कि बच्चों ये 4 और 9 में सावधानी बरतनी है, यानी इसमें माइनस कर करना है। उसी तरह से जब आप आगे जाओगे तो 40, फिर 90, 400, 900, ये सब में आपको इसका यूज करना पड़ेगा माइनस के लिए। 40 में कैसे करेंगे? 50 घटाव 10 करेंगे। फिर 90 में क्या करेंगे? 100 घटाव 10 करेंगे। और यहां पे एक चीज और देखिए, ये 5 का संकेत है, और ये 1 से 10 के बीच में कितनी बार यूज हुआ है? 1 2 3 4 5, 5 का संकेत 5 ही बार यूज हुआ है, और 1 का संकेत कितनी बार यूज हुआ? 1, यहां पर भी यूज हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 बार यूज हुआ है। ठीक है, कुछ ये सब रोचक चीजें आपको खुद से निकालनी है पढ़ने के क्रम में। अब यहां देखते हैं, ये 4 को लिखा, 5 घटाओ 1 लिखते हैं, तुरंत 4 जब भी आएगा आप 5 घटाओ 1 करेंगे, 400 आएगा तो 500 घटाओ 100 करेंगे, तो 5 घटाओ 1 माइनस कर रहे हैं, तो 1 बाएं तरफ में लिख के 5 से माइनस हो जाएगा। 40, 50 घटाओ 10, और 50 के लिए हमारा संकेत पता है हमें, एल होता है, एल के बाएं तरफ में एक्स लिख देंगे, यानी घटाओ 10 हो जाएगा। 400, उसी तरह से 500 घटाओ 100, यानी डी घटाओ, घटाओ करना है तो बाएं तरफ सी को रखेंगे, और 9 के लिए 10 घटाओ 1, यानी 10 एक्स घटाओ आई, 90 के लिए 100 घटाओ 10 एक्स सी, 900 के लिए 1000 घटाओ 100, 1000 के लिए बच्चों एम का संकेत था हमारे पास,
और घटा रहे हैं तो बाएं तरफ C लिखेंगे। C किसका संकेत है? 100 का। अब यहाँ थोड़ी बड़ी संख्याएं आ जाएगी आपके सामने, 734। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, 700 सात कैसे आप लिख रहे थे, 7, 5 और 1, 1 लिख रहे थे इस तरह से। तो 700 है तो आप 500 में चले जाओगे और 100-100 लिख दोगे इधर, और 30 है, 3 कैसे लिख रहे थे, 1-1-1 लिख रहे थे, तो यहाँ 10-10-10 कर देंगे। और 4 के लिए सावधानी बरतनी है, 5-1 करना है, 5-1। 500 के लिए हमारे पास डी संकेत था, रोपण संख्या, 100 के लिए सीसी, और 10-10-10 के लिए XXX, और 5-1 घटाना है यानी बाएं तरफ लिखना है 1 को, तो 5-1 बाएं तरफ 1 लिखा इस तरह से। ये देखिए 978 लिखना है, 978। तो यहाँ 9 है, फिर सावधानी बरतनी है, 9 के लिए हमने क्या किया था, 10 का सहारा लिया था और उसमें 1 घटाया था। तो 900 के लिए आप क्या करेंगे, 1000 में जाएंगे और 100 घटाएंगे, 1000 घटा 100 900 हो गया। अब 70 फिर 5 और 2, 7 के लिए करते थे हम लोग, तो यहाँ पे ये 50 रहेंगे, 50 में 10-10 जोड़ेंगे, 8 है, 5 और 3, 5 और 1, 1, 3 हो गया। इस तरह से 1000 के लिए M लिखा, चूंकि घटाना है 100 तो C को बाई तरफ रखा, 50 के लिए L लिखते हैं, 10-10 XX, और 5 के लिए V, और 3 बार 1 है तो 3 बार 1 का संकेत दे दिया। बच्चों इससे आप पहले ही से परिचित हैं, I के लिए 1 होता है, 5 के लिए V रोमन संख्या, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M। बच्चों आपको एग्जामिनेशन में यहां तक के लिए देखना है M के लिए, लेकिन थोड़ा जब आप समझ रहे हैं तो मुझे भी लगा क्यों ना कुछ आगे हम लोग बढ़ जाए, जानकारी थोड़ी बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं है। M को 4 बार लिखने से क्या होगा, 4 बार ये जुड़ जाएंगे यानी 1000, 4 से 1000 को गुना कर देंगे तो ये 4000 हो जाएगा, या 1000 जोड़ 1000 जोड़ 1000, ये कितना है, 4000। केवल M को 4 बार लिखते हैं, बाकी चीज को 3-3 बार रिपीट कर सकते हैं, ये आपको पहले बताया जा चुका है किस किस चीज को रिपीट कर सकते हैं। और V के ऊपर अगर रेखा कोष्ठक आ जाए यानी बार आ जाए, इस तरह का लाइन आ जाए तो ये 5000 हो जाएगा, यानी जब भी यह लाइन आप ऊपर किसी के देखेंगे 1000 से गुना कर देंगे, ये हमारा 5 था, 1000 से गुना कर देंगे 5000 हो गया। अब देखिए X तो संकेत था हमारा 10 का, उसके ऊपर 12 आ गया तो इसको 1000 से गुना कर देंगे तो ये 10000 हो गया। अगर 2 बार आ जाए तब क्या करेंगे, 1000 गुना 1000 यानी कितना हो जाएगा, इसे गुना कर दें 3 बार, 1, 2, 3 1000 के लिए आ गया, फिर 1000 से गुना कर देते 1, 2, 3 फिर 1000 आ गया, और ये 5 इसके लिए संकेत था, तो ये हमारा कितना बन गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10000, 1,00,000, 10,00,000, 50,00,000 बन गया। और इस तरह से अगर कोई बंद रहे, ये हमारा X संकेत है 10 का और 10 बंद है इस तरह के ब्रैकेट के अंदर, यानी यह लाख से गुना हो जाएगा, 10 लाख से गुना हो जाएगा तो ये हमारा 10 लाख बन जाएगा। एक चीज अभी तक आपने देखा नहीं और पूछा भी नहीं कि जीरो के लिए संख्या रोमन संख्या क्या होगा। बच्चों जीरो के लिए रोमन संख्या कुछ नहीं होता। अब रोमन संख्या में है और इसको संख्या में कैसे बदलेंगे, तो यह देख रहे हैं डी के पहले सी छोटा है ना सी, तो यानी 500 में 100 घट रहा है, 500 में 100 घट गया, जोड़ लिखेंगे और ये x के पहले छोटा है यानी 10 में 1 घट रहा है और ये घटा के दिखा देंगे 409। उसी तरह से ये m है 1000, d में c घट रहा है, 500 में 100 घटेगा, फिर ये 8 बोलते 5 और 3, 8 हो गया, ये इतना हो गया। इस तरह से आप यहां तक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नोट में जब रोमन संख्या के ऊपर एक क्षैतिज रेखा यानी बार लगाते हैं
तब संख्या का मान 1000 गुना हो जाता है। दो क्षैतिज रेखा लगाने पर 10 लाख गुना हो जाता है। जैसे 7 के ऊपर यह बार लगा हुआ है तो 1000 से गुना हो तो 7000 हो गया। 5 के ऊपर यह बार लगा हुआ है तो 5 गुना 1000 5000 हो गए। और ये 4 बार n तो बताया गया है कि ये 4000 हो जाएंगे। और 9678 को कैसे लिखेंगे, ये देखिए, ये 5000 में 4000 जोड़ना पड़ेगा। 5000 के लिए हमने बताया कि v के ऊपर बार और 5000 और 4000, 4000 यहां से ले लेंगे 4 बार n, तो ये हो गए 9000। यहां से यहां तक हो गए 9000। 600 लिखने के लिए 500 और 100 डी और सी 600 हो गए। 78 लिखने के लिए पहले 70 लिखेंगे, 70 के लिए 50 और 2 बार 10 और 8 के लिए V I I I। D के ऊपर 2 बार है यानी इसको 10 लाख से गुना कर देंगे। 500 में 3 जीरो और 3 जीरो और लगा देंगे तो यह हो जाएगा आपका। प्लस हमारे आपके लिए संख्या यह मैंने लिखा है और इसको इस तरह से आप लिख लेंगे ताकि आपको रोमन संख्या में बदलने के लिए मदद मिले। जैसे 129, 100 का हम जानते हैं, 20 यानी 10 10 दो बार 10 10 लिख लिया, 9 यानी 10 घटाओ 1 और 10 के लिए 100 के लिए C लिखा, X X हो गया 10 के लिए दो बार और 10 घटाओ 1 यानी X में I माइनस हो जाएगा। इस तरह से इनको आप कंप्लीट कर लेंगे। फिर प्रश्न हमारे आपके लिए रोमन संख्या मैंने लिखा है और इसको आपके लिए छोड़ दिया है। आपकी समझ कितनी हुई इस कक्षा के बाद ये आप स्वयं चेक करेंगे। क्या हमारे बच्चे अपने जन्मतिथि को रोमन संख्या में लिख लेंगे, ये मैंने प्रश्न छोड़ा है आप लोगों के लिए। धन्यवाद। मैसेज है, आपके जैसे किसी बच्चे ने इस ड्राइंग को किया है, अगर आप चाहें तो अपने घर में इसे भी ट्राई करें, योग करें, खुश रहें।